आई एम एट राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क नाउ, और जैसा नाम से सजेस्ट हो रहा है कि रॉक पार्क है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट रॉक्स और डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, गर्मी बढ़ती जा रही है और आई एम स्वेटिंग आई नो, बट बहुत बड़ा पार्क है ये। दे हैव गिवन द मैप एंड ऑल्सो द ट्रेल्स एंड कि यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। सो लेट्स गो, लेट्स फॉलो द मैप एंड सी यहाँ पर अलग अलग स्पीशीज़ कौन कौन सी और अलग अलग टाइप के रॉक्स कौन कौन से हैं। सो अकॉर्डिंग टू द मैप दीज आर द स्टेयर्स जो नीचे जा रही हैं, दैट विल लीड अस टू अ 500 ईयर ओल्ड कैनाल जो कि यूज़ होती थी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उस टाइम पर। बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी ऑनेस्टली एक रॉक गार्डन से। लेट्स सी कैसा है वो कैनाल और कहाँ जाता है पानी उसका रिजर्वायर का स्टोर होने के लिए। ओके, सो दिस इज द कैनाल, 500 ईयर्स ओल्ड है ये। पानी तो अभी भी स्टोर्ड है पर यहाँ पे मेंढक है। बहुत सारे मेंढक हैं यहाँ पर छोटे छोटे। फन फैक्ट, जो डक्स का ग्रुप होता है उसमें जो फ्रॉग्स होते हैं वो लीडर होते हैं बिकॉज दे आर मेन डक। ओके, आई जस्ट केम हियर फॉर दिस जोक। बहुत बड़ी कनाल बना रखी है, ऑफ कोर्स बहुत सारा पानी स्टोर होता होगा क्योंकि ज़रूरत बहुत सारे पानी की लगती होगी। I'm kinda really enjoying walking in this canal. कि बस फन है यहाँ पर आगे ये रिजर्वायर पर लीड करेगी अकॉर्डिंग टू मैप। मैं मैप में पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, गूगल मैप्स ऑन द अदर हैंड ठीक है मतलब, पर ये वाले मैप्स आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस मच एक्सपीरियंस विथ दिस काइंड ऑफ फिजिकल मैप्स। क्योंकि 500 ईयर्स पहले यहाँ पे इतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी कि जिससे प्रॉपर कैनाल बिल्ड करी जा सके, तो उस टाइम पर उन्होंने ये पूरा जो माउंटेन है इसके रॉक्स को काट के ये इतना बड़ा कैनाल बनाया है। वाह, मतलब ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि इतना ग्रैंड कैनाल होगा। मतलब ठीक है 500 ईयर्स पहले का होगा छोटा सा। लेट्स सी कि कहाँ जाना है। ओके, फ्रॉम गली एंड वी आर हियर नाउ, वी हैव टू गो टूवर्ड्स द लेफ्ट जहाँ पर रिजर्वायर मिलेगा। यहाँ से बहुत अच्छा फोर्ट का व्यू भी है। या दिस इज द लेक, पानी बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर इधर से फोर्ट का जो व्यू है वो बहुत अच्छा आ रहा है। सो मेरा इतना यहाँ तक चलना इन दोनों को मिक्स करके वर्थ हो गया। अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन मैं अलग अलग जगह जाके फोर्ट का व्यू ले रहा हूँ। लास्ट ट्रिप में फोर्ट के अंदर था और मैं
इस वाले ट्रिप में फोर्ट के आसपास, फोर्ट को ऊपर से, फोर्ट को नीचे से और फोर्ट को साइड से देख रहा हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस यार, वो भी अच्छा लग रहा है। सही नहीं, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, इट्स गुड एंड एंजॉयिंग इट। तो ये पार्क के इन टोटल 3 गेट्स हैं। एक गेट जिससे हमने एंटर किया वो एक जसवंत थाड़ा के पास में है और एक फोर्ट रोड पर एक और पास में ही, पर वो दोनों गेट्स अभी बंद हैं। और हर गेट का एक अलग वॉकिंग ट्रेल है। ये वाला मतलब जिस ट्रेल पे हम वॉक कर रहे हैं तो कॉमन है, पर इसके अलावा भी जो येलो ट्रेल और रेड ट्रेल थी, इसको हम पहले फॉलो कर रहे थे, कैनाल वाला रूट, वो रूट सिर्फ गेट 3 का रूट है और वो ट्रेल वहीं से निकलती है। सो अभी वो बाकी दो जो ट्रेल्स हैं वो बंद हैं क्योंकि गेट्स बंद हैं, तो हम लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे। सो वी विल गो बैक ऑन द येलो ट्रेल एंड देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन सी स्पीशीज और क्या है यहाँ पे देखने के लिए। इट्स रियली ग्रीन हियर, और इस टाइप की ग्रीनरी आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो डेजर्ट में, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। कितना थिक और इतना डेंस ग्रीन फॉरेस्ट है ये। कौन कौन से प्लांट्स है देखो स्पेसिफिकली यहाँ पे, जैसे हर प्लांट्स के पास में नहीं लिखा, कुछ कुछ प्लांट्स जो है उनके पास में इन जनरल एक साइन बोर्ड है, बाकी हर प्लांट के पास में ऐसा स्पेसिफाई नहीं करा हुआ है कि ये दिस इज एग्जैक्टली दैट प्लांट दैट यू आर लुकिंग फॉर। बट वन थिंग इज श्योर कि यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स हैं, मतलब आई कैन हियर द वॉइस, आई थिंक यू कैन हियर इट टू, आई डोंट नो, बट हाँ बहुत सारी बर्ड्स हैं पर उनको कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत तेज़ उड़ रही है और फॉरेस्ट इतना डेंस है कि वो छुप जा रही हैं बहुत जल्दी। Now although I didn't got much pictures here, but it's really fun to walk on this different kind of trail. और एक जो ये desert forest वाला vibe है वो भी बहुत थोड़ा interesting सा है, मतलब because I have never done it, I've never seen it, और ये ऐसे बहुत सारे different flowers और plants हैं जो रास्ते पर आपके साथ में चलते हैं जो आप नॉर्मली नहीं देखते हो। सो रियली अ नाइस एक्सपीरियंस। ये यहाँ पर एक जिपलाइन भी है जो कि नॉर्मल डेज पे चालू रहती है, पर अभी नहीं है, मे बी ड्यू टू कोविड एंड रेस्ट्रिक्शंस अभी उसे चालू नहीं किया है। बट ट्रेल ही इतना इंटरेस्टिंग, इस पर वॉक करने अपने आप में एडवेंचर है। नाउ वी आर गोइंग बैक अप थ्रू दिस रॉकी ट्रेल। आज प्रॉपर लेग डे होने वाला है मेरा आज, इतने टाइम से जो मैं जिम नहीं गया हूँ ना उसकी सजा ही है। अगर इस टाइप का वर्कआउट जिम में रहता ना तो मैं रोज जाता। बेसिकली इट्स जस्ट अ बिग पार्क विद लॉट ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज एंड बर्ड स्पीशीज। सो इफ यू लव टू लर्न अ थिंग और टू अबाउट प्लांट्स और बर्ड्स और एनिमल्स, दिस प्लेस इज परफेक्ट फॉर यू। और इवन इफ यू वॉन्ट टू हैव अ गुड वॉक इन द नेचर, यू कैन कम हियर, इट्स नाइस, यू कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हियर। इट्स जस्ट कीप योर मैप हैंडी बिकॉज रास्ता ढूंढना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक टाइम के बाद पे, क्योंकि ट्रेल जो है जो ट्रेल है वो इतना क्लियरली दिखता नहीं है। सो राइट नाउ आई एम सर्चिंग फॉर द ट्रेल एंड आई लुक फॉर द एग्जिट वेयर इट इज़ एंड देन आई मूव फॉरवर्ड। आई गेस आई फाउंड द रूट, दिख तो रहा है मुझे शायद, या तो मैं वापस पीछे जा रहा हूँ पता नहीं, हाँ दिख गया। सो पर ऐसे कोई दिक्कत की बात है भी नहीं, अगर आपको रास्ता नहीं भी मिल रहा है और अगर आप वहाँ पे अटक जाते हो तो उन्होंने नंबर दे रखा है,
यू कैन कॉल एट द रिसेप्शन एंड दे विल सेंड समवन टू पिक यू अप, बट आई वॉज द सीकर तो मैंने फ़ोन नहीं लगाया, मैं ढूंढ रहा हूँ रास्ता अभी अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो लास्ट ऑप्शन तो है कि उनको फ़ोन लगा लूँगा। So I finally found a way and I'm out now. That's fun. Really fun. और आखिरी में जो रास्ता ढूंढने का फन होता है लगी।